अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, महमूदीन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब उर्दू में हम सीख रहे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। तो बच्चों आपको पता है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ है जो हमने इंग्लिश में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के नाम से पढ़ी थी। यानी कि जैसे कि आपके अबू हैं तो आपकी अम्मी अबू क्या हो गए, मुज़क्कर, और अम्मी मुअन्नस। इसी तरह भाई क्या हो गए, वो मुज़क्कर, और बाजी क्या हो गई, बहन, वो मुअन्नस हो गए। तो इसी तरीके से ये जो मेल साइड्स होती हैं उनको हम मैस्कुलिन या मुज़क्कर बोलेंगे, और जो फीमेल्स होती हैं उनको मुअन्नस यानी फेमिनिन। तो अब हम आज कुछ पढ़ेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन या मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में। तो पहला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, अब्बू। अब्बू की मुअन्नस क्या होगी, अम्मी। अब्बू अम्मी, और अब्बू अम्मी को हम वालिद वालदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वालिद और वालदा। अच्छा जी, भाई बहन, भाई तो बहन इसकी क्या हो गई, मुअन्नस। ये देखिए बहन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। दादा, दादा की मुअन्नस क्या होगी, दादा लिखदा दादा, तो इसकी मुअन्नस होगी दादी। दाल छोटी ये दी, दादी, और ये दाल लाइन से टच करके होना चाहिए। अच्छा जी, नाना, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। अब तो आपको ये पढ़ना भी आ रहा होगा हिज्जों के बगैर। तो नाना की मुअन्नस क्या होगी, नानी। नून अलिफ ना, नून छोटी ये नी, नानी। इसके बाद उस्ताद, उस्ताद की मुअन्नस क्या होगी, उस्तानी। अलिफ सीन उस, ते अलिफ ता, नून छोटी ये नी, उस्तानी, उस्ताद, उस्तानी। चाचा, चाचा की क्या होगी, चाची। चंचा, चे छोटी ये ची, चाची, चाचा, चाची। बादशाह, बादशाह की क्या होगी, मलका। बादशाह मलका, ये देखिए मलका कैसे लिखते हैं, इस तरह मीम ला मलका फेखा, मलका, बादशाह मलका। इसको वन मोर टाइम रीड करें, अब्बू अम्मी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, उस्ताद उस्तानी, चाचा चाची, बादशाह मलका। तो बच्चों ये थे आज हमने कुछ मुज़क्कर मुअन्नस सीखे। इसके अलावा भी बहुत सारे मुज़क्कर मुअन्नस हैं। इसके आगे की एक क्लास और होगी मुज़क्कर मुअन्नस की, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि दर्जी, दर्जन, धोबी, धोबन, फिर इसी तरह जैसे बकरा, बकरी, शेर, शेरनी, कुछ इस तरह के जो मुज़क्कर मुअन्नस है वो हम सीखेंगे। तो आप भी मुज़क्कर मुअन्नस की प्रैक्टिस करते रहिए, और आप खुद भी सर्च कीजिए ढूंढें कि कोई मुज़क्कर है तो उसकी मुअन्नस क्या होगी। जैसा कि मुर्गा है तो आपको पता होना चाहिए मुर्गे की मुअन्नस क्या होगी, मुर्गी, ठीक है। तो इस तरह आप अपना भी कुछ माइंड एक्टिव रखें, इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको भी कुछ खुद से लर्निंग की आदत हो और खुद से कुछ सर्चिंग करने की भी आदत होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इस क्लास का एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दी महमूदीन एकेडमी को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।